यूपीएससी एसएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भौतिक विज्ञान से संबंधित होते हैं। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की एक शाखा जिसे थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जिसे उसमें क्या होता है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भौतिक विज्ञान की जो शाखा है थर्मोडायनेमिक्स, वास्तव में उसके अंतर्गत हम क्या चीज स्टडी करते हैं और किस किस तरीके से हम उस चीज को समझते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है उष्मीय संतुलन के नियम, पहला ध्यान रखिएगा, उष्मीय संतुलन के नियम, यानी उष्मा का जो बैलेंस है, उष्मा का जो भी गतिविधि है, उसकी क्रियाविधि है, उसके संतुलन के नियमों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। इसके बाद आता है उष्मा प्रवाह की दिशा। जो उष्मा प्रवाह, जब उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचती है तो उसमें कितना टाइम लगा, क्या चीज हुआ और क्या परिवर्तन हुआ, इस सब का अध्ययन भी हम करते हैं किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। अब इसके बाद से जो तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है वह है उष्मा का रूपांतरण एवं परिवर्तन। ठीक है, उष्मा का रूपांतरण एवं परिवर्तन, ये जरूरी है जानना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उष्मा का कार्य रूपांतरण एवं परिवर्तन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो हमारा जवाब होगा कि विज्ञान की वह शाखा थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है, जिसे हम हिंदी में उष्मा गतिकी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आता है उष्मा की आंतरिक ऊर्जा। पहली बात, उष्मा की आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के नाम से जानते हैं, इसका अगर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, इसके बारे में जानकारी रखते लेते हैं, तो ये सभी चीजें जो होती हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आती हैं। अब अगली बात देख लेते हैं, प्रशीतक एवं उष्मा इंजन, प्रशीतक एवं उष्मा इंजन की कार्यविधि जो होती है वह आती है थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर इससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर वन, जैसे सपोज करिए कि एसएससी में या यूपीएससी में क्वेश्चन आप पूछा गया आपसे कि उष्मा प्रवाह की दिशा, उष्मा प्रवाह की दिशा विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा थर्मोडायनेमिक्स। उष्मीय संतुलन के नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है या कि विज्ञान की किस शाखा से रिलेटेड है, तो आपका जवाब होगा उष्मा गतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उष्मा का कार्य रूपांतरण एवं परिवर्तन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो आपका जवाब होगा थर्मोडायनेमिक्स या उष्मा गतिकी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, उष्मा की माफ कीजिएगा, प्रशीतक एवं उष्मा इंजन की कार्यविधि का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आपका जवाब होगा थर्मोडायनेमिक्स या उष्मा गतिकी। इसी तरह से आपको उष्मा से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जनरेट होंगे जो आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगी। एक एक चीज को कोशिश ये किया गया है कि इजी वे में आप समझ सकें, क्योंकि सभी स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो उनके उनको ध्यान में रख करके ये लेक्चर और ये वीडियो बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि हर एक व्यक्ति को समझाया जा सके। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक सीखते रहिए, लर्न करते रहिए। थैंक यू।